जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ भक्तिर निरा कार्यक्रम न भोगिब जमदंड को आपण मानक स्वागत आज दिन में। आज विषय वस्तु अभिशप्त जम भुवन। ये विषय वस्तु आलोचना करिला बेलकु मन भितर एक जागरण सृष्टि होउची, मनटा आपे आपे जाग्रत हो जाऊची। जम भुवन जी कि न्यायाधीश देवमंडल दानव यक्ष गंधर्व किन्नर मानव ये समस्तंकर न्यायर प्राप्तिर जागा होची जमपुर। जरे जंत्रणा आउ मरे मनीष, मनीष जोटी जंत्रणा पाइबा पाई योग्य हिथाय, आउ मनीष जोटी जंत्रणारु बाहरी थाए मध्य विचार स्थली ना होची तार जमपुरी। ये जमपुरी पुणी अभिशप्त केमिति हेले, जोटी धर्म निकिति बारंबार सत्य अहिंसार धर्म को पालन करिथाय से दरबार पुणी अभिशप्त केमिति हि जाय। आज्ञा, शास्त्र ती सुंदर भाव वर्णना करुचंती आज अभिशप्त जम भुवन सबु किछि थाई मध्य काहिकि आज अभिशप्त। आमे गत अध्याय को दे मने पकेबा तेबे आमे कालांतक बट जो जम मार्ग रे, जम मार्गर अन्य नाम होची जमपुरर अन्य नाम होची संजीवनीपुर। जो संजीवनीपुर शून्य मार्ग रे झुलुची आज्ञा, केवल झुलंता अवस्था तार, तार मूल नहीं, से कोटि स्थापित ही नामती आज्ञा। जम पथ दक्षिण पथरे ये जो संजीवनीपुर से आज्ञा झुलंता अवस्था रे नरटिए। आकु ये संजीवनीपुर नर को मुंडेची किए ना कालांतक बट। आमे कालांतक बटर रहस्य को आम उन्मोचन करथुल आपनक पाखरे, कौन ना गुणनिधि गंधर्वर गर्व गौरव पाई सनक ऋषिंकर पुत्रंकर कंधरे ए जो अपूर्व देवगर्भित वृक्ष को कंधरे बुहाई 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 आणिकी सभारे पहुंची चंती, सेती पाई ये कालांतक बट आज साजी चंती अभिशापुरु। गुणनिधि गंधर्व स्वयं तु होउचंती कालांतक बट जहार अभिशाप। किए अभिशाप देले ना सनक ऋषि अभिशप्त, सनक ऋषिंक अभिशापरु आज गुणनिधि गंधर्व स्वयं कालांतक बट साजी चंती। आउ कालांतक बट साजी करी कौन करचंती ना ये झुलंता जम पुर को जमंकर भुवन को आज्ञा मुंडे की धरिकी बसी। तेरे ये सब ठीक अच्छे, जमंकर ये भुवनटा कहीं झुलुची जी होती सूर्यंकर पुत्र जहार जननी होती स्वयं छाया देवी। आज सूर्यंकर पुत्र जहार ना शुणिले प्रकंपित हुए समग्र मंडल। आज से विचारपति से राजा नरटे एम झुलुची कहीं इंद्र भुवन को जीवे, वैकुंठ भुवन को जीवे, आज्ञा सबुटी देव भुवन को जीवे, सब स्थापित किंतु ये आज्ञा झूला पोल भाया झुलुची खाली सब बड़ पाई। तार कारण आम आज आपण उन्मोचन करू अभिशप्त जम भुवन। ये हूँ अभिशप्त जमराजंकर नर, जमराजंक भुवन स्वयं जमराजंक पाई आज झुलुची कहीं सभा बसी अपूर्व सभा। सभार सभापति होचंती स्वयं वैकुंठादीश नारायण,
नारद आसी पहुंचिले समस्त सभारे उपस्थित ऋषि मुनिगण साधु संथ समस्त देवता माने तले उपस्थित छंती नारद महर्षि तले पहुंचुचंती कौन जपुचंती नारायण 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 हरि बोल नारायण 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 भगवान कर अपूर्व नाम नारायण मंत्र को जे थरे जपन करिए ना से क्षेत्र ही जाए तार धाम ही जाए वैकुंठ धाम आउ शरीर भीतरटा मध्य वैकुंठपुर ही जाए। आज महर्षि नारद से अपूर्व नाम को धरी जेते भगवान का सभार उपस्थित होती ना समस्त देवता को प्रणाम करने सहित नारायण को प्रणाम करू समस्ते समस्ते महर्षि नारद को धन्यवाद अर्पण कर नारद एड़े बड़ ज्ञानी आज्ञा ज्ञानी हेले भी तांकर जो नम्रता प्रत्येक मनुष्य ज्ञानी केतबले जना पड़े ना ता भीतर नम्रता हेतु ताको ज्ञानी कह जाए। श्लोकटी आपण पाखे रखुची विद्या विनय संपर्णाम ब्राह्मणा गविहस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिनः विद्या जेते अधिक हबो सेते नम्रता बढ़िबो नम्रता बढ़िबो किंतु जोटी हजार हजार पाठ पढ़ी हजार हजार लक्ष लक्ष ये तो ह चलुनि आउ ल को परे चलची लक्ष कोटि कोटिए कोटि टंका दे पाठ पढ़ितांतु किंतु आपणक भीतर यदि नम्रता नहीं आपण भीतर यदि भद्रता नहीं तेबे आपणको विद्यावान कहा जीव नहीं। नारद एड़े बड़ ज्ञानी एड़े बड़ मुनि महर्षि पदवाच्य किंतु समस्तंक पाखरे न जानिला परी अभिनय करंती आउ सबु बेले नम्रतापूर्ण आचरण सहित भगवान का पदार बिंद को केवल ही केवल ही केवल ही स्मरण से सभारे आज्ञा सबु ऋषि मुनि माने उपस्थित स्वयं तो न्यायाधीश जमराज मध्य उपस्थित हाँ इंद्र अग्नि जम नैऋत वरुण वायु कुबेर ईशानेश्वर ब्रह्मा अनंत विष्णु समस्ते आज्ञा पूर्ण सभा सभार सभापतित्व प्रभु नारायण वैकुंठादिशादि नारायण। ये सभा जतबले चली सभारे हठात किनी आज्ञा जम आज्ञा पछुक आसिले जम जेतबले पछिक सबकिछि कार्य सारी आसी जमराज से सभारे उपस्थित अछंती किए ना अंगिरा ऋषि समस्त को जमराज प्रणाम कले हाथ जोड़िकिनी किंतु अंगिरा महामुनि बसचंती आज्ञा सभारे न देखिला वाली अभिनय करी चली गले आज्ञा अंगिरा मुनि को परे नजर पड़िलानी अंगिरा मुनि को प्रणाम कलेनि अंगिरा मुनि के तले प्रणाम न करी कले बारे मिस्टेक हो जाइव भूल हो जाइए पुणी बारंबार बारंबार अंगिरा कही निज आड़ कही उठले जमराज 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 तथापि भी जमराज शुणा थे डाकिले दिथर डाकिले तीन थर डाकिले चारिथर मध्य डाकिले जमराज 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 आज्ञा डाक शुणिले अंगिरा मन ऋषि आज्ञा अंगिरा ऋषि ऋषि मुनि माने आज्ञा हठात कोपि जाती रागि जाती तथापि क्रोध को संभक्षण करती क्रोध क्रोध जेतबले अत्यधिक बढ़ी जाए सेतबले आउ रही हबो नाही क्रोध जेतबले अत्यधिक बढ़ी जीव सेतबले समस्त इंद्रिय माने जाग्रत रु कौन हो जाती अत्यंत जाग्रत हो जाती अत्यंत जाग्रत हो गले कौन हबो ए शरीर फाटी जीव आज्ञा
ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ହେ ଯମରାଜ ଏ ସଭା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନାରାୟଣ 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 ଏ ସଭାକୁ ରୋକାଯାଉ। କାହିଁକି? ହେ ଯମରାଜ, ହେ ଯମରାଜ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି, ତୁମକୁ ଡାକୁଛି, ତୁମକୁ ଡାକୁଛି। ଶୁଭୁନି ତୁମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ପଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ଋଷି ମୁନି ଗୁରୁ ସାଧୁ ସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆଜି ସଭାପତି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ତୁମରି ଆଗରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ତୁମର କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ପଣ? ତୁମେ ପ୍ରଣାମ ତ କଲନି କଲନି, ତୁମେ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣୁନା, କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ସମସ୍ତ ଭୁବନ ଠାରୁ ତୁମ ଭୁବନଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ତୁମେ ନା, ତୁମେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ତୁମେ ବିଚାରପତି, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ତୁମର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯମରାଜ, ତୁମକୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ସଭାରେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ତୁମେ ଯୋଉ ଭୁବନ ପାଇଁ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ପଣ, ସିଏ କ'ଣ ହବ ନା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି? ଯମରାଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା କଥା, କହିଲେ ଆରେ ହେ ଏଇ ତାହେଲେ ରେ 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 ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହେ ମୁନିବର, ହେ ମୁନିବର, ହେ ମୁନିବର, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଋଷି ବାକ୍ୟ ଥରେ ଯଦି ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ନା ଆଉ ଆନ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ସମଗ୍ର ସଭା ଭିତରେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଶାପ। ଯମରାଜଙ୍କ ଭୁବନ ଯମ ନର ଖସି ପଡ଼ିଲା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା, ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଋଷିଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ମୁନିଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରି ଚାଲିଛେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆର ଗ୍ରନ୍ଥ ମଣିମୟ ଶବ୍ଦ ଗଚ୍ଛିତ, ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ ନାରାୟଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ଯିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗିରା ମୁନିଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଋଷିଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗିରା ଯମରାଜଙ୍କର ପିଲାବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦର୍ଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆଜି କେମିତି ଯମରାଜ ଭୁଲିଗଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସଂସାରକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉପଦେଶ ରହିବନି ତ, ବିନର୍ମ ନିବେଦନ ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ମାନ୍ୟରେ ବଡ଼, ଯିଏ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଅବମାନନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ବିରାଟ ବଡ଼ କଲେକ୍ଟର ସାଜିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଗାଁରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଦାଦା, ଗାଁର ଭାଇ, ଗାଁର ସାଙ୍ଗ କିଏ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟତାରେ ବଡ଼ କିଏ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଆହା ବିଲରେ ସେ କାମ କରିଆସୁଛି, ତା ପାଦରେ କନେକା ହେଇଛି, ପାଦରେ ପୋକ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି? ନା 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 ନା, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ାର ମହତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଆପଣ ହଜାରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ହଜାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଏ ଆଚରଣ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅମାର୍ଜିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ,
किंतु मार्जित रे आमे शिक्षित हेई पारे नाही। एड़े बड़ जमंकर भुवन एड़े बड़ विचारमय खंड आज्ञा स्वर्गरु छिंडी पड़ा स्वर्गरु छिंडी पड़ा आज्ञा एठी पुत्र गुणनिधि जो कल्पांतक बट कालांतक बट होकिन आज्ञा संजीवनीपुर रहिले ये तले झुलिकी पड़ुलाम जम भुवन ते स्वर्गरु छिड़ी पड़लाम जमराज क्षमा प्रार्थना मागिले नारायण पाखे त्राही मधुसूदन त्राही केशव डाकिले तो बोली कौन हम सब अपराध को क्षमा दिंती भगवान अंगिरारु सिंह क्षमा मागिले बहुत न्यून म्यून हेले अनेक क्षमा मागि सारापर स्वयं तो ये कालांतक बट जो संजीवनीपुर जाकि अभिशप्त होता कालांतक बट विराट विराट आकार नहीं करी दक्षिण मार्ग रे अपूर्व भाव स्थापित होता कालांतक बट को आदेश देले हईरे कालांतक बट हईरे गुणनिधि गंधर्व तू जेपरी ऋषि पुत्र को एड़े बड़ वृक्ष को कान्ह 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 इंद्र भुवन पर्यंत टाणी आनीलु रे केते कष्ट तु ऋषि पुत्र को दे नु रे तेबे तू एठी कौन कर ना सारा जीवन पर्यंत ये जम भुवन को मुंडे करी बसी था सेया हेला कालांतक बट आज संजीवनीपुर जम भुवन को आज्ञा मुंडे की रखिले आज्ञा मन रख दर्शक बंधु केतबले हेले ऋषि मुनि साधु संत गुरुजन मानंकु कटु वचन कुहंतु नाही गुरु ब्राह्मण कले निंदा आज्ञा नर्क रे पड़ंती परा आज्ञा राजा जदि अन्याय करे प्रजा कण राजा को दंड दिए प्रजा जमिति राजांकर राजा भगवान को आज्ञा समर्पित हो जाई थाय सेपरी आपण माने मध्य ये गुरु ब्राह्मण ऋषि मुनि साधु संत को निंदा करंतु नाही जदि आपण सम्मान न दे पारुछंती तेबे असम्मान मध्य करंतु नाही मौनेन सन्मति लक्षण मौन रही जांतु किंतु गुरु को कटु वचन कुहंतु नाही आपण माने जमती हालो हाय बाय गुरु को देखिले होउछंती आपणक गाँ को जापणक गुरु आपण पिला बेलर गुरु भंगा साइकल धरी रास्त चलुला बेले आपण BMW कार धरी आपण एमती जोर से चलाउंट आपणक गाड़ी आगे गुरुंर साइकल एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाणक गाड़ी चका तले गुरु प्राण नहीं जाऊँच सेमती न हो गुरु को देखिले रही जातु पारुछंती यदि मुंडिया मारंतु प्रणाम करंतु गुरुंक ठारु आशीर्वाद नियंतु से गुरु होउचंती ब्रह्मा से गुरु होउचंती विष्णु से गुरु होउचंती महेश्वर आपणंकु अनेक अपराध करिथंतु यदि आपण गुरुंकर पाद धरि क्षमा मागिने जेबे हे गुरुदेव मो अपराध को क्षमा करि दियो यदि गुरु क्षमा करि दियंती जमंकर जम हेले मध्य आपण को दंड दबार अधिकार आउना ही गुरु होउचंती नारायण सम गुरु होउचंती सृष्टिकर्ता गुरु होउचंती पालनकर्ता गुरु होउचंती सहारकर्ता दर्शक बंधु ये विषय वस्तु आज हमको सिखाई दउची गुरु को केतबले निंदा करिवे नै साधु संत को निंदा करिवे नै आपणकर शिक्षितता आहुरी ऊपर को आपण को मान आहुरी बढ़ी जीव जेते बले आपण मान्य गण्य व्यक्ति को गुरु को ऋषि मुनि साधु संत को आपण सम्मान देबे आपण भक्ति करिवे भक्ति करिले आपण भितरे जाग्रत हो शक्ति आउ शक्ति जेते बले जाग्रत हो आपण को मिलिबो मुक्ति सेथिरु आपण को केही 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 बाधा देई परिबे नाही स्वयं जमराज आपण क्षमा दे देबे तेबे आज तो विषय वस्तु थिला अभिशप्त जम भुवन तेबे अभिशापुरु
केमिति मुक्ति पाउछंती आपन तो जानिले गुरुंकर आशीर्वाद रे सबु किछि आज्ञा क्षमणीय हेइ थाए। तेबे आसंतु समय निर्देश देणी आजिर दरबार रे वाणी को विश्राम दबा विश्राम दापुर दुई बार भगवानंकर नाम। जय जय जगन्नाथ पतित पावन, जय जय जगन्नाथ पतित पावन, जय जय जगन्नाथ पतित पावन, जय जय जगन्नाथ लक्ष्मी प्राणधन। हरि बोल। बाजे ब्रजे का मंडनम समस्त पाप खंडनम, स्वभक्त चितरंजनम सदैव नंद नंदनम, स्वभक्त चितरंजन सदैव नंद नंदनम। हरि बोल। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते सच्चिदानंदाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।